आज 19 जनवरी है और मैं कश्मीरी पंडित हूँ, इसलिए मैं एक्चुअली यहाँ मन से नहीं आना चाहती थी, मगर ये विषय इतना गंभीर है कि मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ आना ही चाहिए। पर अगर मैं आज 19 जनवरी के बारे में कुछ ना कहूँ, और ये टोटली ऑफ द रिकॉर्ड है, वो ये है दैट आई बिलीव दैट केपी एग्जोडस डे, जिसे हम बोलते हैं, इट इज़ एन अनहील्ड सोल वूंड for not just a specific community, the Kashmiri community, it is an unhealed soul wound for an entire faith which has been forced to forget what was perpetrated. 20वीं शताब्दी में जो हुआ हम लोगों के साथ, या हिंदू भाइयों के साथ जैसे सब लोग बोलें, उससे पहले भी कई शताब्दियों पहले हो चुके हैं, और केवल कश्मीर में नहीं हुआ है, बहुत जगहों पर हुआ है। और ये कहना, और यदि कोई लोग ये कहते हैं कि ऐसा हुआ, उसका ये अर्थ नहीं है कि हम किसी के प्रति वितृष्णा रखते हैं या घृणा रखते हैं या चाहते हैं कि देश में सौहार्द और प्रेम का भाव ना हो, पर ऐसा भी नहीं है कि हम भूल जाएं। यदि हमें कहीं पे घाव लगा है, पीड़ा हुई है, जब तक कि उसका हम कुछ मलहम ना लगाएंगे, आगे कैसे बढ़ पाएंगे। एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस ऑफ थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन दिस कंट्री, a nation that was partitioned on the basis of religion. If we see such lack of awareness about something that is so important, where are we today? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग हमेशा ना ट्राइबलिज्म वाले माहौल में रहते हैं। राजपूत अपना देखेंगे, कश्मीरी पंडित अपना देखेंगे, तमिल्स अलग देखेंगे, तेलुगु अलग देखेंगे, हम एक होकर कब देखेंगे? ऐसा नहीं है, यू कैन ऑलवेज बी अ प्राउड तेलुगु, बट ऑल्सो बी अ प्राउड तेलुगु हिंदू हु हैज इनफ लव, कंपैशन, एम्पैथी फॉर फेलो हिंदूज फ्रॉम अदर रीजन्स। हमारा सिविलाइजेशनल लेसन है यूनिटी, और जब तक हम वो नहीं सीखेंगे, ये बार बार होता जाएगा। आप देखिए 30 वर्ष हो गए हैं और फिर भी देश में सबको नहीं पता है कि क्या हुआ था। देखो नई पीढ़ी भी बोल रही है हाँ में हाँ मिला रही है, तो इससे ज्यादा तो सरस्वती है उसकी जीवा पे विराजमान। द पॉइंट इज दैट इट्स हाई टाइम दैट वी थिंक दैट हम लोग का कल्चरल जेनोसाइड, व्हेन वी से इट्स नॉट अ लाइट टर्म, it has actually happened. Please pause and understand what I mean. In the next few years, there will be people who might not even speak the language. The way we would celebrate our festivals, the rituals that we had been following, our stories, our anecdotes, our cuisine, all elements of our culture would be lost. That is cultural genocide. And the reason that we keep repeating it, and the reason 19 January sirf ek hashtag chalane ka occasion nahi hai, it is to remind our fellow Hindus that let us not allow anything of this sort to repeat ever. Awareness is important, acceptance is important, and when we move ahead with our wounds completely healed, only then will we become that sapno ka Bharat that we all want to move towards. Aaj ka jo vishay hai hamara, harmony not hegemony, linguistic diversity of India with Kashmir as a microcosm. So आप लोग सोच रहे होंगे कि with Kashmir as a microcosm क्यों लिया? वो इसीलिए लिया क्योंकि हमें पता था कि आज 19 जनवरी को ही हम ये आयोजन करने वाले हैं। सर्वेश जी का मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ, वो इतनी दूर से आए और उन्होंने अपने प्लान्स चेंज करके वो यहाँ आए, तो मैं तो बहुत ही आभारी हूँ, मैं बता नहीं सकती। इनके साथ हमने एक आयोजन किया था छोटे से ऑनलाइन चैट का, जिसका बहुत ही अच्छा फीडबैक सबसे मिला, और इसीलिए हमें इतना प्रोत्साहन मिला कि हमने कहा नहीं, आप भारत आ रहे हैं तो आप आइएगा दिल्ली, और आप आए, आपने हमें कृतार्थ किया। मैं और समय नहीं लेती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ और सर्वेश जी से निवेदन करती हूँ कि वे